I will make sure that each student excels in every field. And such responsibility should not be given in such hands. And I will make sure that such party animals are eradicated from the college. माना कि हम सब जानवर हैं, मगर इस हॉस्टल को नॉन वेज ईटिंग एनिमल लवर्स की जरूरत है. रिंग मास्टर की नहीं, श्रीधर साहब. He is not the right candidate for you guys. He can only do गुंडागर्दी. बेटे अगर मैं गुंडागर्दी पे उतर आता तो तू यहाँ डिबेट राउंड तक पहुंचता क्या? जितने तेरे सर पे बाल है ना, उससे कई ज्यादा मेरे सर पे हाथ. guys, he's not even maintaining the decorum of the stage. At least try to speak in English. Oh ho ho, my darling. बेटा झबुआ से आप बीटेक करने आए हो, इंग्लिश ऑनर्स नहीं. I'll not only be your leader, I'll be your best friend. हॉस्टल में कभी किसी को आज तक दोस्त की कमी महसूस हुई है क्या? मुझसे पूछा गया कि मुझमें जीशा बनने लायक कौन कौन सी क्वालिटीज है. आज बताता हूं मैं. जतिन किशोर, जिसे झाटू तो लोग यहां रिस्पेक्ट में बुलाते हैं, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ा रहूंगा. दारू पी के उल्टी करते वक्त, एग्जाम की रात फर्रे बनाते वक्त, किसी लड़की को इंट्रो देते वक्त, या हॉस्टल में हमें एक फैमिली चाहिए. प्रोफेसरों के लिए तुम वैसी कॉलेज जाते हैं? मैं तुम्हें पढ़ाई नहीं कराऊंगा, मौज कराऊंगा, मौज. भैया MTS 201. छोटू तो MTS 201 दे दे. बड़ी जल्दी आ गए आज. हो गया GOT का बिंज वॉच. ओ भैया ज्यादा पापा मत बनो, जल्दी करो. 150. सुनो, सिर्फ नोट से ना कुछ समझ नहीं आएगा, हैंडआउट्स भी ले जाओ. तो इसको रखो, सिर्फ वही दे दो. अरे तो भैया पहले नहीं बोल सकते थे आप? भैया हूं ना, पापा थोड़ी. 200 और. हैप्पी एंडसम. रवि तेजा. हाँ. तुझे कन्वर्जन डाइवर्जन समझ में आ गया? इट्स ऑब्वियस. तो जो जो इम्पोर्टेंट है प्लीज बता दे भाई. नो, टू मी ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर इम्पोर्टेंट. आई डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कॉन्सेप्ट्स. यार तेरे विचार कितने अच्छे हैं यार, पर अभी है ना पूरा समझने का टाइम नहीं है. तो अरे व्हाट्स देयर टू समझ, इट्स ऑब्वियस. जस्ट रिकॉल द क्लास लेक्चर्स. ओ तुम दोनों ने तो कभी क्लास अटेंड ही नहीं किया ना. चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, जस्ट गो थ्रू द ओल्ड असाइनमेंट्स. तुमने तो एक भी असाइनमेंट नहीं किया ना. यार तू हमें पढ़ा रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है. इट्स ऑब्वियस. वो जो डमरू है ना, वो हर साल एक ही पेपर सेट करता है. तो जो तेरे भैया है ना, उनके असिस्टेंट, अरे क्या नाम है यार उनका, जनार्दन. यार जनार्दन भैया से बस एक बार बात करा दे, उनके पास पेपर होगा. सवाल ही पैदा नहीं होता. करवा दे यार, बड़ा भाई बोल के ऐसा कौन करता है. देहाती बैल बुद्धि गंवार. नहीं, मैं अपने दिए हुए शब्द वापस लेता हूँ यार. चल ठीक है, करा दूंगा बात. हाँ. बता. रॉयल जनार्दन @nutty.ac.in all small. भाई अब मेल थोड़ी करेंगे यार. हाँ तो फिर एक काम करो, रूम पे चले जाओ, मारते बात करा देना. बेस्ट है भाई, तू बस एक बार फोन कर ले उनको, है ना. अरे नंबर दो, उनका नंबर मार पास को नहीं. अबे उसका नंबर तेरे पास क्यों को नहीं? क्योंकि भाई टीए नंबर को नहीं देते, ईमेल ओनली. अबे बाकी लोगों को नहीं देते होंगे यार, तुझे तो जानते हैं ना जाट. भाई साहब डेली मिलते हैं मैदान में, परसों तो सेल्फी मिली. उनके रूम पे चलते हैं, रहते कहाँ है वो? मन्ने के भेरा. अरे भेंच, तुम मजाक कर रहे हैं ना.
अबे ये मजाक कर रहा है। अरे भाई जिस आदमी से डेली की फेस टू फेस की बातचीत है उसका रूम नंबर जान के क्या करूंगा पता? इस अनजान शहर में तुझे तेरे शहर का एक आदमी मिला जो तेरे कोर्स का टीए है, जिसे तू रोज मिलता भी है, उसका ना नंबर पता है तुझे ना रूम नंबर पता है तुझे, फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस से तूने बोला कि मिलवा देगा। मैं अपने वापस लिए हुए शब्द ना तुझे वापस देता हूं। तू है ना, एक सेकंड, तू है बैल बुद्धि देहाती गवार बहन का। What you having, George? के? Your right shoulder is tilted just like Pushpa, but तुम फैन श्रीवल्ली के हो। तो शोल्डर टिल्ट होने का रीजन है तुम्हारे राइट शोल्डर के 79 डिग्री नीचे रखा हुआ वॉलेट, जिसमें तुम्हारे बाप की फोटो है क्योंकि तुम्हारी माँ कैमरा शाय है। वॉलेट की थिकनेस ज्यादा है क्योंकि दुलाल नंदी बंद हो चुकी थी, इसलिए तुम मैस में खाना खाने चले आए और इस वक्त 6:30 बजे मैस में सिर्फ एक ही चीज मिलती है जो तुम्हारे मुंह में है, इडली। MSP किडनी ट्रुथ मॉइस्चर रुपेश खाते। वाह भाई, तने यो सब कैसे भी रहा है? सो भाजी, टेल मी, चोरी हो रही थी तब तुम कहाँ थे? ये सब ना होवे हमारे काम में। मैं चोरी नहीं, चोरी के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ वो होती रहे भैया, तब तो मैं हॉस्टल 2 के जाटों की गल गाली फाइट में भी जीता। लेट मी गो टू माय माइंड पैलेस। हॉस्टल 2 जैसी खतरनाक जगह जाकर इतनी जल्दी वापस आना इज इम्पॉसिबल। व्हाट एम आई मिसिंग? क्रैश्ड। लगता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मुझे खुद ही H2 जाकर पता करना पड़ेगा। आई विल स्पीक टू यू लेटर। टेक्निकल डिफिकल्टीज का रट्टा मार ले, सारी इंपॉर्टेंट है। डेबिट कार्ड पे खुरच लगी है, KYC मारा होया नहीं है, फोन की स्क्रीन टूटी हुई है, OTP दिखता नहीं है। पर मेरी स्क्रीन तो ठीक है। इपकोनी।